मेरे पास तो एक तरकीब है, लेकिन तेरे भैया कहीं बुरा ना मान जाए। बुरा मनी है तो वो बात तो खुद ही। कौन सी रही? बोलो तुम यार, कहना क्या चाहती हो? बोलो अगर स्वामी जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे, बोलो तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो स्वामी जी आप बुरा मान जाए। अरे बोलो तो सही। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, बस कर मर गया हराम खोर साला ने छोटा। तू क्या देखता है पे? भगवान तुमका बहुत फुर्सत में बनाए, तुमको हमका तो जल्दी जल्दी बनाए। ले कमीने, तुम इधर क्यों देखते हो? तो आँखी फोल ले ही का। अरे तुम उधर को देखो, इधर मत देखो। बोलो यार तो। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? क्यों ना अपनी उसके साले कुरकुरी पकड़े हैं। देखो क्या पता नहीं मैंने तुम साले सपना देखते हो। अगले जन्म हमार नहीं है। वो जन्म की बात करता है। बोलो यार कहना क्या चाहते हो? तो बोलो स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। क्या बात? अरे बाप कहाँ खोपड़ी दही वाली भगवान। इसी बगल वाले पाइप में, उस पाइप पे अपनी सर सर लड़ा लो। ऐसा केतुल बदला हराम खोर, मेरी पत्नी बसाले नियत डिगा रहा है। स्वामी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना अपनी बहन चांदनी को किसी रंडी कोठे बेच दो। पागल हो गई हो? ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? किस्मत किस्मत तुम्हारा जो तुम्हारे हिलने लाग नहीं तो दिमागिन मेहरारू है, दिमाग लगाओ, पहले सोचो। अगर रंडी कोठे बेचोगे महाहो दौलत हाथ आएगी, और अगर शादी ब्याह के लफड़ा पहलोगे महाहो दौलत हाथ चली जाएगी। कौन तुम्हार सगी बहन है? हमार बहन हो तो कभी बेच खाई दिया। कोई पूछेगा तो बता देंगे शादी करके ससुराल अपने चली गई। लॉकडाउन में ब्याह कराने उठा दिए, एक नंबर नहीं आओ। चिरू सारी अदा वाकई कौन सी मेरी सगी बहन है? अगर शादी ब्याह करेंगे तो बहुत सा दहेज भी लगेगा, और ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? लेकिन चिरू ये बताइए कि रंडियों का कोठा तो मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानते हो? जानते हो? तो फिर कौन सी ऐसी वो रंडी है जो सदा कर सकती है? बाबू साहब रंडी तो तमाम है, लेकिन एक रंडी ऐसी है जो आपकी बहन को खरीद सकती है। कौन है वो? चमेली बाई। क्या चमेली? हाँ पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली है, सौदा कर सकती है। तो शेरू फिर देर करने का वक्त नहीं है, चलो हम इसी वक्त चलते है चमेली बाई के कोठे पे और सदा पक्का कर दे। जा तो रहे लेकिन कम दाम में मत सौदा कर देना, क्योंकि चांदनी भी खूबसूरत है। मैं तो नादान नहीं हूँ, इतना तो मुझे समझ रही हो। मैं घाटे का सौदा नहीं करूंगा, और मैं जा रहा हूँ बहुत जल्दी। अच्छा ये हमका लागा तू ऊपर ऊपर फारा तू चुम्मी नहीं ले पाते। करम होते करम का वही तरह के मन से जो पालन परी हो, हमें पाले परी हो जो तुम पर। तुम एक काम करो, एक काम करो, तुम भैया के साथ में जाओ। हाँ क्योंकि जो हम जा रहे हैं कोठे पर, हाँ रंडियों के कोठे पर जा रहे हैं, वहाँ गंदी गंदी लड़कियाँ रहती है ना। अरे बहुत गंदा हवा कर रहे थे, बदबू देने की बात नहीं कर रही यार। हाँ
देखो ऐसी वैसी लड़कियां रहती हैं, उनको देख करके कहीं इनकी निगाहें बदल जाए, बदल सकती है। अगर वहाँ कुछ करते हैं तो आकर मुझसे बताना। पक्का बताओ? चांदनी खूबसूरत है, कंधा में मत सौदा कर। कम कहाँ बेच, रोज रोज बहन बिटिया बेचे मिली का कायदे से बेच, पान पुड़िया छोड़ो। जैसा होता आकर मुझसे खबर करना, ठीक? पक्का। मैं चल रही हूँ। पाँच हजार? क्या हो गया 5,000? अब रंडी के कोठे पर जा रही है तो तुम ऐसी ऐसी सीन दिखाओ कि हमारो खोपड़ी खराब है। देती हूँ जो बहला ले भाजी, एक तो ऐसी ऐसी तुम पिक्चर दिखा दे कि खोपड़ी खराब है। खोपड़ी नहीं खराब करो, तुम्हारा तो हम मनौते हैं खराब हो जा। ये बता तेरी बीबी कहाँ गई रे? नहीं हरे माँ, मायके में। हाँ तो जाकर उसको ले आओ ना। नहीं झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा? हाँ तो झगड़ा चल रहा तो जाकर उसके हाथ पैर जोड़ उसको लाके घर में बैठा। अरे हम होकर गोलन गीत पर वरना आई, हमका लगा तो हुए कौनों से फांसी है का। अच्छा ये बात है, उसका कनेक्शन कहीं और है। कनेक्शन अंते है, बिजली के बिल हम भर रहे हैं। तो 5,000 लेकर जाओगे रंडियों के कोठे, मौज मस्ती करोगे, सारा पैसा लुटा के चले। का करी कहां खोपड़ी दई मारी। पैसे के लिए तो दुनिया मरती है चंदा देवी। कितना ले? सुनो मेरी बात। देखो पैसा मत खर्चा करना, ठीक? मैं बता रही हूँ तुमको, पैसा मत खर्चा करना। हाँ अगर तेरे भैया न रहे ना, हाँ तो मौका निकाल के आ जाना, विद भाभी जिंदा है। अरे साले कमीने, मैंने जब कहा तो मेरे साथ बैठा, तो यहाँ क्या कर रहा रही? स्वामी जी देखियो, इसलिए मैं रोकी हूँ कि आप जा रहे कोठे पर और ये भी जा रहा साथ में, इसलिए रोकी हूँ कि आप जा रहे हैं, बहुत जल्दी आना भैया को लेकर, क्योंकि आप कहीं चले जाते तो मेरे देवता आपके बगैर दिल नहीं लगता मेरा। अच्छा मैं कहीं पहली बार जा रहा हूँ जो तुम्हारा हमारे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा? तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? सलाम जादू को यहाँ रोक करके और यहाँ क्या बातें कर रही है? है? बोल। यही मार पहले मारे होते तो बाप बन गए होते। तुम्हारे पे नहीं, लेकिन इस साले ने छोटे पे मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि साला नियत तक खोटा है, राम खोर रही। याद रखो अगर दोबारा ये मिल गया यहाँ तो तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। समझ लेना अगर हरकत की तो फिर समझ लो। तेरी वजह से मार खा रही देखो हमारे तो हाथ तय हो गया, जो बात हो गई तो हो गई, उनके ऊपर ना जाओ। भैया को मालूम हो गया, काट डालेंगे दोनों। जिंदगी में न जानी है ऐसे, जैसे मेघा का जो है अजगर नील के बैठ जात है ना, वही तरह नील के तुम्हार बात बैठ जाओ, सनक नहीं सके। शेरू मार खा जाए जिंदगी में हमार तुम्हार चला करी को चढ़वे न करे। अच्छा जाओ वहां से आओ तो सब सोचूंगी। Thank you.
बहुत बड़े हो बलवा है वो सही बलवा अगर हम सामान ले काहे उड़न बुढ़ा के रह के हम भाई यार है कि कहां जाइए तुम्हारा भैया चेहरे अलग इनका पुरान गजब करे थे इनके बिंदेश के चेहरे अलग अबे चेहरे में फर्क नहीं है दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भट्टोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भट्टोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना तो कतई ना भूलें दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालें और प्रोग्राम को नोटिफिकेशन दें वो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अब प्रोग्राम की। कल मैंने वीडियो में डाल करके आपको जानकारी दिया था कि दिनांक 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार सन 2024 को हमारी कंपनी का प्रोग्राम ऊंचा हार के आगे अर्खा पड़ता है दोस्तों, और अर्खा के बगल में एक गाँव है जिसका नाम है महेशीपुर। तो आज महेशीपुर में हमारा प्रोग्राम होगा। आज 4 तारीख है, आज महेशीपुर में हमारा प्रोग्राम होगा। हमारे घर मालिक आदरणीय शिवराम गुप्ता जी हैं, उन्हीं के हमारी कंपनी का प्रोग्राम आज होगा। तो ये जानकारी तो मैंने कल आपको डाल करके बतला दिया था, लेकिन अब हम 5 तारीख की बात करेंगे, यानी कल की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती आपसे है, अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने सेकंड चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले और प्रोग्राम की जो जानकारी दें उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूं अब। कल 5 तारीख है,
5 अक्टूबर दिन शनिवार सन 2024 और कल हमारी कंपनी का प्रोग्राम रायबरेली ज़िले में ही होगा। रायबरेली ज़िले के अंदर एक गांव है उत्तरपारा, बहुत ही मशहूर गांव है, बहुत बड़ा गांव है ज़िले का। तो उत्तरपारा गांव के पास में एक पुरवा है, छोटा पुरवा, जिसको छोटा पुरवा कहते हैं, और छोटा पुरवा के बगल में पूरे रम्मा का पुरवा है। तो दोस्तों पूरे रम्मा के पुरवा में ही प्रॉपरली हमारा प्रोग्राम कल 5 तारीख को होगा। हमारे घर मालिक आदरणीय अंगनू साहब हैं, अंगनू सरोज, जिनके हमारी कंपनी का प्रोग्राम कल होगा, तो उन्हीं के हमारी कंपनी का प्रोग्राम 5 तारीख दिन शनिवार को होगा। तो आइए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसी नंबर पर आप कॉल करके सीधे रम्मा का पुरवा पहुँच करके भटनौसा कंपनी का प्रोग्राम देख सकेंगे। नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों, नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर है 8090 32 43 35, मतलब 8090 32 43 35। दूसरा नंबर है 8756 13 45 10, 8756 13 45 10। दोनों नंबर मैंने आपको दे दिया है, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो किसी एक नंबर को कॉल करके आप रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और कल 5 तारीख को पूरे रम्मा कपड़ुआ पहुंच करके भटनौसा कंपनी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम देख सकते हैं। धन्यवाद।